पहली बार एस्ट्रोलॉजी चैनल पे क्यू एंड ए है वो करने वाली हूँ। वन थिंग और हैबिट डज अरीब भाई लव मोस्ट इन यू। लंबी लड़ाई नहीं होती लेकिन आगे शायद नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप आप कहाँ करना चाहेंगी? अगर इस चैनल के नाम से एस्ट्रोलॉजी ना होता तो क्या होता? की शादी कब हो रही है? लाखियों वाली वीडियो देखने के बाद कोई सास अपने बेटे का रिश्ता नहीं देती मुझे सीधी बात। इंटरनेशनल ट्रिप पे आपके कितने पैसे लगे थे? मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ये सब से ज्यादा पूछा गया है। पीपल वॉन्ट टू नो अबाउट माई यूट्यूब। आज का व्लॉग सबसे ज्यादा खूबसूरत इसीलिए है क्योंकि ये आप लोगों की फरमाइश के मुताबिक आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा भाई, थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि भाई मैं पहली बार एस्ट्रोलॉजी चैनल पे क्यू एंड ए है वो करने वाली हूँ। क्वेश्चन आंसर्स, मतलब जो सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में है जो हमसे पूछना चाह रहे थे, मुझसे, मेरी फैमिली से, तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाल दिया कि आस्क मी क्वेश्चन, और मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी एक पोस्ट डाल दी कि वहां पे भी आप लोग सवालात मुझसे पूछे ताकि मैं उनके जवाब दूं। अपनी फैमिली से भी कोशिश करूंगी कि उस चीज को पूछ सकूं, आपके सवालों के सही एक्यूरेट जवाब दे सकूं। और ये वीडियो आज की मजेदार इसीलिए होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के सवालों के जवाब प्रॉपर तरीके से बैठ के देने वाली हूँ। खैर, हम अरीब का वेट करते हैं, अरीब साहब को ज्वाइन करते हैं, अरीब से पूछेंगे, अपनी फैमिली से पूछेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये वीडियो आप लोगों ने आखिर तक लाजमी देखनी है। और मेरे चैनल को भी आप लोगों ने लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं तकरीबन सारे सवालों के जवाब दे पाऊं, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट हो रहे हैं, बल्कि अभी भी मैंने पोल देखा तो उसमें काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, तो कोशिश करूंगी कि जो हमारे मेन क्वेश्चन है ना, जो मैं चाहती हूँ कि भाई ये क्वेश्चन जो है ना ये आपको पता लगना बहुत जरूरी है और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, तो उनके जवाब जो है वो मैं लाजमी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। तो वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट और लेट्स गो। पहला सवाल है हमारा बिल्ली से। ए बिल्ली रुक जा, वो कह रहा है मैंने जवाब नहीं देना। बिल्ली वो पूछ रहे हैं लोग आप इतने क्यूट क्यों हो। बिल्ली कह रही, बिल्ली के चाचू ने कहना उसके चाचू क्यूट है, बिल्ली की चाची ने कहना उसकी चाची क्यूट है, बिल्ली की अम्मी ने कहना बिल्ली क्यूट है, और ये देखो ये क्यूट इसलिए है क्योंकि ये भागता रहता है और हाथ नहीं आता। इधर आना जरा लड्डू, ये देखो चला गया अंधेरा देख के वापिस आ रहा है। इधर आ जाओ जरा। जुहान चाचू से प्यार करते हो चाची से? वो कह रहा ना चाचा ना चाची ओनली फूड। तो जी गाइस, क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैंने जो है वो पूरा अपना सेटवेट तैयार कर लिया और अरीब साहब भी ऊपर आ रहे हैं, आ चुके हैं बल्कि। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? क्या पूरा घर स्टूडियो क्यों बना हुआ है? क्योंकि आपकी जरूरत है, अभी आपने यहाँ पे बैठना है, हम लोगों ने बनानी है क्यू एंड ए वीडियो। उसमें क्या होना है? उसमें अवाम हमसे पूछेगी सवाल और हम देंगे उनके जवाब। कौन बनेगा? करोड़पति बनेगा? नहीं नहीं, करोड़पति नहीं है ये, करोड़पति के बगैर सिर्फ सवाल पूछे जाएंगे, जवाब दिए जाएंगे। सवाल, सारे सवाल आज जवाब देने हमने हैं, आज सारे जो पूछे जाएंगे जितने मैक्सिमम कवर हो सकते। चलो जल्दी से बनाए, जल्दी से मैं बहुत थका हूँ, मैं आया था, भूख लगी हुई थी, आज मेरे सवाल पे सवाल इसने कर दिया। आज तो मैंने कढ़ाई नहीं बनाई। चलिए जी गाइस, अब हम लोग बैठ चुके हैं आप लोगों के सारे सवाल के जवाब देने के लिए। अरीब, आर यू रेडी? यस आई एम, आई एम रेडी। तो पढ़ते हैं जी अपना पहला सवाल। पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है कि आप लोगों ने इतने सारे कंट्रीज घूमे हैं तो आपका फेवरेट कंट्री कौन सा, आपको सबसे ज्यादा एंजॉय कहाँ किया? स्पिरिचुअली तो देखा जाए ना, सीधी सीधी बात है, मुझे सऊदी अरेबिया में बहुत मजा आया, यानी कि वहाँ की वाइब हमने सुना ही था, लेकिन जेन्युइन बात है जहाँ जाके फील भी बहुत हुआ, बहुत अलग वाइब थी, बहुत मजा आया। स्पेशली देखा जाए और वैसे एंटरटेनमेंट वाइज देखा जाए, मुझे तो मालदीव बहुत पसंद आया था। मालदीव अच्छा था, मालदीव में काफी एक्टिविटीज थी, हमने वहाँ पे स्कूबा भी किया था, तो वो बहुत अच्छा था। अच्छा जी, लोगों ने मुझसे पूछा है कि ड्रीम कार क्यों सेल की? अभी की नहीं है, बट हम लोगों ने सोचा है सेल करने का, और लोगों ने कहा कि अरीब ने इतने दिल से की थी, क्यों करे? अरीब आपको बुरा तो नहीं लग रहा? यार मैंने बेसिकली, मैं आपको जनरल बताऊं कि हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था, क्योंकि वो यूज नहीं इतनी नहीं होती, लोगों ने देखा है कि दो तीन वीडियोस में आती है लेकिन मोस्टली खड़ी रहती है। उसने मुझे कहा तो मैंने कहा यार तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तो हाँ कर देते हैं सेल, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसको कोई पसंद आएगी कल को हम फिर इंशाल्लाह ले लेंगे, इंशाल्लाह। तो जी, वन थिंग और हैबिट डज अरीब भाई लव मोस्ट इन यू, ये तो आप ही बताएंगे। यार मुझे सबसे केयरिंग बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा केयरिंग है, वैसे मुझे फील होता है कि वो बहुत ज्यादा केयरिंग है, वो
फील नजर भी आता है चीजों में। ओ नाइस, बड़ी तारीफ हो गई भाई। एक क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट बहन कौन सी है। गाइस मेरी अब चूंकि मेरी शादी होगी तो मेरे लिए अब चारों बराबर है, तो आई विल नॉट पहले बराबर नहीं थी, नहीं पहले राबिया मेरी फेवरेट थी और मैं सबको बताया राबिया मेरी फेवरेट, राबिया मेरी फेवरेट, लेकिन अभी चारों इक्वल है क्योंकि चारों बहुत अच्छे से मिलती है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोगों ने मुझसे पूछा कि व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन अनमैरिड एंड मैरिड लाइफ। ये क्वेश्चन लोगों ने कहा है कि अरीब के लिए भी है और आपके लिए भी है कि मैरिड और अनमैरिड लाइफ में क्या फर्क है। मैं आंसर देता हूँ, मैरिड लाइफ जब होती है ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती है, आपको चीजें बहुत सोच समझ के करनी पड़ती हैं। पहले नहीं होता था, पहले मैं जाता था अभी दोस्तों से निकल गए, कभी कहीं निकल गए, काम से आए सीधा जो दिल चाहे वो कर लो। हाँ। लेकिन अब मुझे पता होता है कि मैंने घर में टाइम देना, चीजें वगैरह करनी है। मेरा जो बड़ा डिफरेंस है वो ये आया था गाइज, थोड़ा चेंज हुआ है जिंदगी बहुत ज्यादा, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। मुझे ना भरे घर में शोर वाले घर में रहने की आदत थी और यहाँ पे मैं बहुत सुकून में और बहुत बिल्कुल शोर नहीं होता, तो वहां पे एकदम आई हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा मैं मतलब बोर हो जाता हूँ। चाहिए तो नीचे चला जाता है मेरी पार्टनर के पास जाती हूँ, लेकिन जब वो सो रहा था मैं, जब वो यहाँ नहीं होता है नानो की तरफ, मैं बहुत बोर होती हूँ क्योंकि यू नो आदत आपको उस तरह से है कि आते जाते आ रही है बहनें, आ रही है काम शाम कर रही है। चलिए जी, एक क्वेश्चन जो है वो आया इस वक्त, वो क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि बहुत से अनमैरिड लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, क्या शादी के बाद लड़ाई हुई है कभी या नहीं? ये क्या पूछ लिया? ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर लड़ाई ना होती है, सीधी ऐसा बात कोई है। कपल नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, उसका ब्रॉटअप अलग है, मेरा अलग है और हम साथ रह रहे हैं तो किसी छोटी सी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लेकिन एट द एंड उसको रिजोल्व करके सोते हैं। इस तरह ये नहीं है कि लड़के पास चलो जी दो तीन दिन लड़ते ही रहे उस बात पे, ऐसा कुछ नहीं होता। इतनी लंबी लड़ाई नहीं होती। फेवरेट मेमोरी ऑफ अरीब भाई एंड फैमिली, मेरे साथ अरीब की जो सारी, अभी तो मैं गाइज मेमोरी बनाना शुरू की है, बट हमारा जो टाइम जो हम ट्रिप पे थे वो बहुत मेमोरेबल था, बहुत अच्छा था, आप सब लोगों ने वो देखा। आपके लिए क्या मेमोरेबल है? मेरा ट्रिप मजेदार था, यानी कि बहुत हमने नई चीज एक्सप्लोर की, मजा आया, घूमे फिरे, नई जगह देखी, तो वो बहुत अच्छा था। और अरीब की फैमिली जब भी इकट्ठी होती है, दे पीपल आर वेरी फन लविंग, तो मेरी उनके साथ जब भी वो मेमोरीज ही है, मतलब बहुत एंजॉय करती हूँ मैं। चले जी, अब है मेरी बारी, अब मैं पूछूंगा एक ऐसा सवाल, ठीक है जी, आपने जल्दी जल्दी जवाब देने, ताकि आप बहुत स्लो बोल रही है, मैं जल्दी पूछूंगा। आपने डॉक्टर की प्रैक्टिस क्यों नहीं की यार? क्योंकि डॉक्टर की प्रैक्टिस इसलिए नहीं की क्योंकि मुझको यूट्यूबर बनना था। अगला क्वेश्चन है जी, आप अपना होम टूर कब करवा रही हैं? जब सारी मेरे घर के साजो सामान पूरा हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरा हस्बैंड मुझे टाइम देगा और फिर से शॉपिंग पे जाएगा और अगला ब्लॉग आएगा, मैं सारी चीजें जाके आपको दिखाऊंगी, फिर हमारे घर का होम टूर आएगा, मेरा सामान। बस ये सारी बात उसने मेरे पे डाल दी कि जी अरीब क्यों ऐसे लेट हो रहा है, अरीब क्यों ऐसे लेट हो रहा है हर चीज में। अरीब की क्या क्वालिफिकेशन है? भैया मैंने BS ऑनर्स किया हुआ मैथ्स कम्युनिकेशन में, मेरी ये क्वालिफिकेशन है। और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? I'm a doctor, pathologist. MBBS किया हुआ है। MBBS। आपकी दादा अबू के साथ कोई बेस्ट मेमोरी? मेरे दादा अबू की एक आदत थी कि जब भी घर आते थे ना, एक तो वो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बहुत ऊंची आवाज से, तो उन्होंने हमें वो सिखाया, वो चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है। और जब वो आते थे ना, तो वो हमेशा मेरे, फातिमा और हेरा में कॉम्पिटिशन होता था कि जब वो आए तो उनके लिए जूता ढूंढना है, चप्पल ढूंढनी है, तो हम तीनों ढूंढने के लिए जाते थे, मैं जीत जाती थी, उसका हमें पैसे मिलते थे, तो मेरी सबसे अच्छी मेमोरी है। इंटरनेशनल, नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप आप कहाँ करना चाहेंगी? आई रियली वॉन्ट टू विजिट यूरोप और USA। सबसे हार्ड टाइम क्या था लाइफ में? जब मेरे दादा की डेथ हुई थी, मुझे लगता है वो सबसे मुश्किल और सबसे वो चीज होती है जब आप अपने प्यारों को खोते हो और उनको कभी ना देखने आपको होता है कि आप उनको कभी नहीं देख पाओगे, कभी नहीं मिल पाओगे। तो वेयर इज अरीब पेरेंट्स? तो मेरे पेरेंट्स की मैंने पहले ही बताया कि डेथ हो गई हुई है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जी हीरा के रिलेटेड, के लोग पूछ रहे हैं कि भाई हीरा के रिलेटेड बहुत सवाल हुए हैं, इतने सवाल है, इतनी बड़ी सवाल हुआ है कि हीरा की शादी कब हो रही है, हीरा कमिटेड है, हीरा ने शादी कब करनी है, तो हीरा जी बता दें, हीरा जी बता दे। जब अल्लाह को मंजूर होगा आई विल शेयर एवरीथिंग। हाँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। ये कंफर्म है यार, जो भी होगा सबसे पहले न्यूज में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दैट्स द पॉइंट डेफिनेटली। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है कि आपके मम्मी और पापा की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, ये हम क्वेश्चन पूछते हैं अपनी मम्मा से। कुछ भी समझ ले, मिक्स थी, लेकिन बाद में हमारा बड़ा अच्छा लव चल रहा है। बाद में लव चल गया है, मंगनी के बाद लव चल गया और मंगनी से पहले अरेंज था। ठीक है, ये कहना चाह रही है मम्मा, शर्मा रही है। ठीक है, अगला सवाल है जी, अगर इस चैनल के नाम से एस्ट्रोलॉजी ना होता तो क्या होता? इकरा कवल होता। क्यों? पहले इसका नाम पहले भी इकरा कवल था और इसको चेंज करके मैंने और इसके साथ एक क्वेश्चन ये भी है, एस्ट्रोलॉजी का नाम कैसे रखा? क्योंकि मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, लॉजी 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 पढ़ के मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा, थक नहीं गई थी बल्कि इतनी उससे ऑब्सेस्ड हो गई थी कि अपने चैनल का नाम भी स्टडी ऑफ सिस्टर्स एस्ट्रोलॉजी रख दिया। आपने व्लॉगिंग कब स्टार्ट की?
मैंने 2016 में कोविड के टाइम पे रेगुलर वैसे चैनल अपना 2016 में स्टार्ट किया था मैंने। व्लॉगिंग के रिलेटेड कोई टिप्स दें आप? व्लॉगिंग अगर आपको करनी है तो आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन और इंगेजिंग चीज लोगों को दिखानी है और वो चीज जिससे लोग रिलेट कर सके, ऐसी नहीं कि अनरियलिस्टिक चीजें आप दिखा रहे हो। ये व्लॉगिंग की टिप है। और अब स्टार्ट करें, कोशिश करें कि आप उस चीज के लिंक्स अच्छे बना लें। आप लोग डक्की भाई से कैसे मिले? भाई उनका मैसेज आया था मुझे इंस्टाग्राम पे कोई मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले और उन्होंने कोलैबोरेशन के लिए बोला था, तो मैं उनसे पहली बार मिलने गई, लेकिन ये नहीं पता था कि जब मिलेंगे तो ये कोलैबोरेशन एक फैमिली टर्म में चेंज हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर फैमिली एंड ही इज आवर ब्रदर और बहुत अच्छी टर्म एंड ही इज जेम ऑफ अ पर्सन। अरे भाई डेली व्लॉग क्यों नहीं डालते भाई जान, मैं आपको क्या बताऊं, इतना मुश्किल काम है। मैं कुछ जेन्युइन बता रहा हूं, मेरे पास ना कोई 8 से 7 व्लॉग आधे आधे बने पड़े हैं। मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूं बनाना, बीच में भूल जाता हूं और मैं फिर अगले दिन मुझे याद है मैं व्लॉग बना रहा था, मुझे इकड़ा याद करता वो याद है। अरे वो कल व्लॉग बना रहा था, वो कहाँ गया? कहता वो तो हो शिट गाड़ी से ही नहीं निकला अभी तक, मुझे याद ही नहीं आता गाड़ी में। अच्छा अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे कि भाई फातिमा जो है वो इतनी चलाक क्यों है, ये चलाकियों वाले आइडियाज उसको कहाँ से आते हैं, तो ये जाके पूछते हैं। वैसे मुझे खुद ही आ जाते हैं, मुझे नहीं समझ आती मेरे अंदर ये चीज बिल्ट इन है। बिल्टिन मतलब क्या? इतने बिल्टिन मतलब कि वो चीज मेरे अंदर है, मुझे खुद नहीं पता होता चलाकियों वाले आइडिया मेरे पास कहाँ से आ जाते हैं। आजकल मैं वीडियोस बनाना छोड़ी हुई है, लोग पूछ रहे हैं। हाँ। जल्दी लेकर आऊंगी वो, तो बस खुद ही आ जाते हैं वो, मैं अंदर से मैं वैसी हूँ। okay, अगला क्वेश्चन है जी कि अरीब और आपकी दोनों में एज डिफरेंस क्या है? मैं अरीब से 2 साल छोटी हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो मेरी मम्मा के लिए कि आपकी मम्मा की 5 बेटियों में से फेवरेट बेटी कौन है, तो ये मम्मा से पूछते हैं। बेटी नहीं बताते, सारी मेरी फेवरेट है। ना ना ना, कोई एक होता है माँ का फेवरेट है, ये बताना आपने। मेरा एक रूल है। हाँ। कि मैं सामने जो आता है मैं कहती तुम मेरी फेवरेट। या अल्लाह, मेरी माँ को मम्मी नहीं होना चाहिए था, सियासत में होना चाहिए था, जो सामने आता उसको कहती तुम्हें मेरी है, तुम्हें फेवरेट है। यही स्कूल होना चाहिए। आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स आए थे? ये कोई क्वेश्चन है पूछा? आई वाज द थीटा वन। मुझे सब कहते थे कि ये लड़की जो है ना ये बहुत लाइक फाइक थीटा। मैं बता दूं मैं बहुत एवरेज था, मेरे आए थे कि 7, मुझे अभी भी याद है 751 या 781 ये नंबर थे मेरे। मैं 900 की लाइन में थी। ओए होए होए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि हीरा के बाद सबसे ज्यादा शादी के प्रपोजल किस बहन को आते हैं, और ये सवाल मैं पूछूंगी फातिमा से। हीरा के पास आ रहे, मेरी बारी आती है तो मुझे बारी तेरी आती है, प्रपोजल किसको आते हैं ये पूछ रही हूँ। आते हैं मुझे ही आते हैं। जब बकवास कर रही है, झूठ बोल रही, सबसे राबिया पे लोग ज्यादा। हाँ, 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 ये चलाक इतनी है। गाइस मेरी बात सुने, चलाकियों वाली वीडियोस देखने के बाद कोई सास अपने बेटे का रिश्ता नहीं देती मुझे, तो सीधी बात डर जाती है ना वो। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि जैनब को के पॉप पसंद है, तो ये जैनब से ही पूछते हैं भाई कि उसको के पॉप पसंद है या क्या सीन है। बहुत सारे ड्रामा देखती हूँ मैं, और मैं ऐसे ये नहीं हूँ कि BTS की फैन, ब्लैकपिंक की फैन हूँ, मैं बस के ड्रामा देखती हूँ, मुझे आई अप्रिशिएट दैट, मुझे अच्छे लगते हैं। बहुत ह्यूज फैन नहीं हूँ लेकिन अच्छे लगते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि जी आपकी जिंदगी का सबसे इमोशनल स्टोरी कोई है? मेरी जिंदगी की सबसे इमोशनल स्टोरी एक है, और वो ये है कि जब मैंने पहली बार पैसे कमाए थे और जो मैंने चेक लाके अपनी माँ के हाथ में रखा था, वो मेरी लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट भी था, इमोशनल भी था। मेरी अम्मा की आंखों में जो चमक थी वो मैं सारी जिंदगी देखना चाहती थी, और वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जो मेरे माँ बाप उस वक्त मेरे पे प्राउड हुआ था ना, वो मेरी लाइफ का इमोशनल था, और मैं अकेले में रोई भी थी उस बात पे कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया। मेरी जिंदगी का जो सबसे इमोशनल जो स्टोरी है ना, वो मैं नहीं बता सकता। आई थिंक सो व्हेन यू लॉस्ट योर पेरेंट्स। हाँ, जब आपने उमरा किया था तो आपको कैसा फील हुआ था? बहुत अच्छा, स्पिरिचुअली तो बहुत माइंड ब्लोइंग, बहुत फिनोमिनल था। और जब हम लोग मक्का में थे तो बहुत आपको जो है ना वो बड़ा एक ऐसे लग रहा है रहमतें बरसती है। जब आप मदीना गए बहुत पीस, बहुत सुकून, जब ज्यारते की जो चीजें सुनी हुई थी ना वो देखी थी आई हमने, वो अल्लाह ताला हमसे, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मैं कि हर मुसलमान को अल्लाह ताला बुलाए अपने पास जाके करें। क्या आप हज करेंगे? इंशाल्लाह यार, क्यों नहीं, ये तो जरूर अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह ने अपने घर बुलाया, जरूर जरूर इंशाल्लाह करेंगे। बैड हैबिट्स ऑफ अरीब। बैड हैबिट, ओ माय गॉड, तो आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी। हाँ, बोलो ये तुमने कहना है। अरीब की बुरी आदत है यार, बहुत ज्यादा जल्दी ना टेंशन लेता है, बहुत ज्यादा एंग्शियस होता है, टेंशन बहुत जल्दी लेता है, ओवरथिंक करता है, तो वो मैं कहती हूँ अरीब कहते हैं मैं ठीक कर लूंगा। और दूसरी जो है ना वो थोड़ा अग्रेसिव बड़ी। एक पूछी थी, दो नहीं पूछी थी, दो बताने लग गए। मैं छह बता दूंगी, आठ बता दूंगी। योर वेरी मेमोरेबल व्लॉग, सबसे मेमोरेबल व्लॉग कौन सा है? जब मैंने मदीना की ज्यारतें कराई थी, इट्स माय मोस्ट मेमोरेबल व्लॉग, क्योंकि उसको मैंने बहुत दिल से एक्सप्लेन किया था, और एक एक चीज जो थी वो मैं उस वक्त फील भी करी थी और आपको भी बताई थी, तो वो अभी तक। और एक मेरे निकाह का व्लॉग मेरे दिल के बहुत करीब है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमें आया है कि हीरा के साथ आपकी कोई बेस्ट मेमोरी, तो मैं कैसे बताऊंगी, मैं ये बात हीरा से ही पूछती हूँ कि मेरे साथ उसकी कौन सी ऐसी
मेमोरी है और कौन सी ऐसी चीज जो उसको मेरी बुरी लगती है। सारी बेस्ट है शादी के बाद, सारी बेस्ट बन जाती है। और सबसे बुरी कब लगी करा कमल? सबसे बुरी कब लगी? जब भी मुझे रात को उठ के बोलती थी ना पानी ला दो, मैं चपेड़े मारूं, नींद में देखने आती थी आप सोगी और सोती पानी ला दो पानी की बोतल, ये तो मैं बुरी लगती थी, इरिटेशन होती। तो अब तुम्हें याद अब नहीं आती? अच्छी लगती है, वो मेमोरीज बन गई है ना, अब वो तुम्हें याद नहीं आती? मेमोरीज तो हमेशा दिल में रहती हैं, तो या मेरे दिल में है अभी भी। अच्छा जी करा, जो अगला क्वेश्चन है ना, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। कौन सा? सबसे ज्यादा गेस करो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ये इतनी बड़ी मैं देख चुका हूँ, बताओ कौन सा क्वेश्चन होगा। I think people want to know about my YouTube income. Because ये सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा कि आप मंथली कितने कमाती हो YouTube से। Okay, so people want to know कि मेरी YouTube इनकम कितनी है। तो guys मैं आपको एक चीज बता दूँ, हौसला। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूँ कि YouTube की जो इनकम है वो हर मंथ जो है ना वो वेरी करती है, वो डिपेंड करती है आपकी RPM पे, आपके CPM पे, आपकी व्यूअरशिप पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह I am earning good amount, अच्छी अमाउंट अर्न कर रही हूँ। लेकिन जो मेन अर्निंग होती है ना किसी भी इन्फ्लुएंसर की, किसी भी यूट्यूबर की, वो प्रमोशनल जो ब्रांड्स होते हैं बेसिकली वो अच्छा पे करते हैं। जो यूट्यूब है वो CPM लो है, तो आपके चाहे मिलियन में व्यूज है आपकी पेमेंट बहुत लो हो जाती है। तो ये चीजें कुछ टेक्निकल है, अगर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जवाब तो सुन दिया है नहीं इंटरनेशनल ट्रिप पे आपके कितने पैसे लगे थे बताओ भाई, कितने पैसे लगे थे? अरीब मुझे बिल्कुल, क्योंकि ये सारा ट्रिप जो था वो अरीब ने मैनेज किया था, तो मुझे वहां मैंने सिर्फ वहां पे एंजॉय किया, फोटोज खिंचवाई हैं और बाकी सब फ्लाइट से लेके एवरीथिंग अरीब ने मैनेज किया, मुझे नहीं पता क्या है। बेसिकली ना हमारा जो हनीमून ट्रिप था ना उसकी जो सारा एक्सपेंस था आई गेस वो मिला के ना हमें ना लगेज की वजह से बहुत ज्यादा पैसे पड़ गए, क्योंकि लगेज पे ना देने पड़े थे, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े थे। हमारा जो वेट था ना उससे बहुत ज्यादा होता था, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी गलती थी और हमारी अपनी गलती थी। तो आई गेस वो मिला के सब कुछ करके ना 3.5 मिलियन में ही हो गया था सारा, यानी कि 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपए में थाईलैंड से लेके उमरे से उमरा करके फिर वापस पाकिस्तान आने तक। थाईलैंड से थाईलैंड से दुबई हम खुद गए थे, थाईलैंड से वहां से शुरू किया था जो हमारा जो मैनेज कर जो पैकेज था वो पूरा। अच्छा ठीक है, वहाँ पे खाना पीना, वहाँ पे खाना पीना सारा जो था ना हमने खुद किया था। क्या व्लॉगिंग आसान है? नहीं, व्लॉगिंग गाइस बिल्कुल नहीं आसान, क्योंकि आपने अपना पूरा दिन कैप्चर करना होता है, उसके बाद उस दिन को एडिट करना होता है, फिर आपने उसको पोस्ट करना होता है और फिर आपने उसको देखना होता है और फिर अगले दिन की तैयारी करनी होती है। तो इट्स नॉट एन इजी टास्क टू डू। राबिया की स्टडी फील्ड क्या है? राबिया जो है वो मीडिया स्टडीज कर रही है, थिएटर एंड फिल्म एंड टेलीविजन पढ़ रही है वो। तो उसने कहा कि मैं पहले ही सोशल मीडिया पे बड़ी मशहूर बच्ची हूँ, तो मैं जरा इसको प्रोफेशनली ज्वाइन कर लेती हूँ। स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले मैं ये बताता हूँ, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। मैं कुछ जनरल बता रहा हूँ, अगर जिंदगी में मौका मिले तो जरूर करें, बड़ा मजा आता है। सिर्फ और सिर्फ तब डर लगता है जब आप नीचे देखते ना जहाज से, उस टाइम तो ऐसी सिट्टी बिट्टी गुम होती है ना, सिट्टी बिट्टी गुम। लेकिन मुझे स्कूबा डाइविंग में ज्यादा डर लगा था, मैं जाना बता। स्काई डाइविंग था ना वो बहुत माइंड ब्लोइंग था, मुझे डर नहीं लगा बट मैंने बहुत एंजॉय किया था, वो बहुत खूबसूरत मोमेंट था। हु इज बेटर कुक? इकरा कवल, क्योंकि मैं कढ़ाई अच्छी बनाती हूँ। मैं नाश्ता बहुत अच्छा बनाता हूँ, मुझे नाश्ता बनाने की आदत है, मैं वो बड़े मजे का बनाता हूँ। सबसे अच्छा कौन सा प्लेटफॉर्म लगता है आपको सोशल मीडिया में? इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि आंटी पहले वीडियोस में नहीं आती थी और उसके बाद आंटी वीडियो में आई, आंटी के बच्चे मशहूर हुए, तो आंटी को कैसी फीलिंग्स थी? ये आंटी से पूछते हैं फिर। नहीं पहले मैं नहीं आती थी, मुझे बड़ी शर्म आती थी, मैं कहती थी इकरा मेरे पे कैमरा ना करो, पीछे करो, मैं बस बोलती थी, आती नहीं थी सामने। तो फिर आस्ता आस्ता इकरा कुछ कर रही होती थी अंदर, मैं टोटका देने आ जाती थी, मशवरा देने आ जाती थी, वो देते देते फिर थोड़ा सा मैं फ्रैंक हुई, तो फिर लोगों ने पसंद किया तो फिर ज्यादा आ गई कमेंट, और फिर अब इतनी आती हूँ, इतनी आती हूँ, मुझे अच्छा लगा, फिर मैं आना शुरू हो गई। अच्छा जी अगला क्वेश्चन है, वन थिंग अरीब हेट्स अबाउट इकरा। आई डोंट हेट अबाउट एनीथिंग अबाउट इकरा। डोंट हेट एनीथिंग? नहीं, आई एक्सेप्टेड इकरा हर तरह से। अगला क्वेश्चन है जी मेरे डैडी का, और डैडी से लोगों ने यही जानना चाह रहे हैं कि फैमिली का और रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था जब पहली बार उन्होंने अपनी बेटी को टेलीविजन पे देखा था, परफॉर्म करते देखा था, और जो है वो वीडियोस मेरी देखी थी, तो ये पूछते हैं पापा से। तो हैप्पी था? आप तो बहुत हैप्पी थे, तो हमें पता है, मजा आया और अच्छा लगा, होना चाहिए सबको ऐसा। तो बाकी तो किसी को ना लगे तो आई डोंट केयर, हमें किसी ने हमें क्या, रिश्तेदारों का क्या फीडबैक था जो आपको फोन आया? वो तो बड़ा ही बैग था फीडबैक लेकिन
कोई बात नहीं, खुश रहे सारे, खुश रहे, हैप्पी माइंड, हैप्पी लाइफ। अगला क्वेश्चन जी, आपको कैसे पता चला कि अरीब ही है जिससे मैंने शादी करनी है? माय गॉड, मुझे कैसे पता चला भाई? अरीब की सबसे अच्छी चीज ये थी कि ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड, और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना किसी चीज की बेस पर डिसाइड नहीं किया था कि मुझे इससे शादी करनी, मुझे ये बस अच्छा लगा था। और जो अगला क्वेश्चन है वो जैनब के रिलेटेड, और वो ये कि जैनब इतना लड़ती क्यों है? क्या पूछ लिया गाइस आप लोगों ने मुझसे, जैनब क्यों इतना लड़ती है? मैं लड़ती नहीं हूँ, ये सब बड़ी बहने, मैं छोटी हूँ, और घर में जो सबसे छोटा होता है ना वो सबसे ज्यादा हर किसी से लड़ाई करता है। आई एग्री विद दैट, और सबसे ज्यादा लड़ती हूँ, लेकिन राबिया से कौन फेवरेट है? ये जॉर्डन, ये जूते, ये चीजें, ये सब मंगवाना किसी और से, ठीक है? अच्छा, एक ये बड़े मजे का क्वेश्चन है कि हाउ टू बी इंडिपेंडेंट, हाउ टू बी इंडिपेंडेंट एज अ वुमन, एज अ वुमन। तो ये जो क्वेश्चन है कि हाउ टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमन, तो आजकल के दौर में हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए नहीं कि आप किसी पे हुक्मरानी कर सके, इसीलिए कि आप अपने घर की चीज को बहुत अच्छे से चला सके, आप अपने हस्बैंड के हाउस होल्ड में उसकी मदद कर सके, अपने पेरेंट्स का जो है वो सहारा बन सके। तो ये एक औरत के लिए, खुद के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो आगे अपनी नस्ल को अच्छा जनरेट कर सके। बड़ी चीज है कि अपने माँ बाप का ट्रस्ट ना ब्रेक करो। Yes. और एक चीज जो लड़कियों के लिए होता है कि हमेशा एक लिमिट सेट की जाती है, मुझे लगता है कि जो लड़कियां अपनी लिमिट सेट करके उसकी बाउंड्री में रह के बहुत सी चीजें अपने लिए डिसाइड करती हैं, उनकी फैमिली है, उनके पेरेंट्स ने उनके लिए तय की होती है, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा ग्रो कर सकती है। पेरेंट्स की सपोर्ट या हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो जितनी भी औरतें कामयाब हैं उनके पीछे उनके बाप या उनके खावंद या उनके भाई का हाथ है। तो मर्द की सपोर्ट जो है वो औरत को बहुत आगे लेके जाती है। तो मैं यही कहती हूँ, जो मर्द मुझे देख रहे हैं वो अपनी औरतों को सपोर्ट करें तो औरत ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अच्छा जी, अगला सवाल बड़े मजे का सवाल है, आप साग कब बना रही है? ये क्या पूछ लिया आपने? जर्मन बात है, आंटी के लिए साग बना के जाओ, लेके जाओ, क्या खुश होंगी, या फिर खुश होंगी या फिर कहेंगी आइंदा के बाद मेरे लिए साग ना बनाई। अरे उन्होंने महीने का स्टॉक बना लिया, मैं अगले सीजन में बनाऊंगी ना, अभी तो मैं बेचारी खुद अभी नई नई शादी साग बनाना स्टार्ट, मुश्किल काम है भाई, साग बनाना मुश्किल काम है। अगला क्वेश्चन है मेरे पापा से, वो ये कि आप इतने यंग कैसे हैं? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया कि अंकल इतने यंग कैसे हैं, आप इतने जवान कैसे हैं, आपके पापा की जवानी का राज? मेरी जवानी का Always happy. वही मैं बार बार कहता हूँ, खुश रहें बस। बस एक पापा से पूछूंगी कि आपको कभी लाइफ में किस मोमेंट पे लगा कि आपको अपनी बेटी करा कवल पे बहुत प्राउड फील हुआ? आपने सिंगिंग की थी, सॉन्ग आपका बना था। हाँ जी, जब मीडिया में चला तो मुझे प्राउड फील आ गया, बच्चा कामयाब हो जाएगा, हो जाएगा, लग गया था तब। और उसके बाद मुझे हमेशा ही आपकी हर चीज पे प्राउड फील हुआ। अच्छा, और इंशाल्लाह ये रहेगा, पूरी लाइफ रहेगा, हर टाइम, एवरी टाइम। सबसे ज्यादा लोग मुझसे पूछे हीरा ने आपको शादी पे गिफ्ट क्या दिया? हीरा मेरा शादी का गिफ्ट ये गाइस, नहीं ने बता क्या दिया गिफ्ट, पेंडिंग है अभी तक, पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग है, मैं मानती हूँ इस चीज को। मुझे डेडलाइन बता दें कब। डेडलाइन कोई नहीं है, बट है, गिफ्ट माई पेंडिंग है, जब मुझे कोई अच्छी चीज लगी जो मुझे लगता है कि तुम्हारे काम आएगी तो मैं ले लूंगी। चलिए जी गाइस, उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके तमाम सवालों के जवाब दिए होंगे। बहुत से क्वेश्चन क्वेश्चन जैसे ना बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे, मैं ढूंढी जा रहा था एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा, चीजें वगैरह थी, तो उम्मीद करते हैं कि हमने सारे क्वेश्चन के आंसर किए होंगे, सारे सवालों के जवाब आपको दिए होंगे, और मिस हो गए होंगे वो अगले कभी अगले किसी वीडियो में, किसी ब्लॉग में आपको पता चलते रहेंगे ऑन एंड ऑफ इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप लोग एक क्वेश्चन और भी था कि 4 मिलियन पे आपको डेयर करोगी? यार मैं क्या डेयर करूंगी, मैंने 4 मिलियन पे इकरा मेरे साथ यस चैलेंज करेगी। अरे मेरे से साग में चले जी, इंशाल्लाह ये जो भी होगा आप लोग जल्दी से मेरे 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो, आज का जो व्लॉग टाइप वीडियो है, बहुत अच्छी लगी होगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।